आप सभी को मेरा प्यार भरा पलक और छोटू को ढेर सारी मस्ती के साथ, फाफड़ तोड़ना, खाना और दोस्तों के साथ। किसी को पेड़ में चलना नहीं आता है और आए फाफड़ खाने। ये देखो ऐसे काफल हो रहे हैं हमारे यहाँ। आप सभी को मेरा प्यार भरा पलक और छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोभाल और मैं उत्तराखंड के बेरीनाग की रहने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। मैं जा रही हूँ अभी कॉलेज, मैं हो गई हूँ तैयार, नाश्ता मेरा हो गया है। आज मेरे ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि कॉलेज का ब्लॉग मैं बनाती, लेकिन आजकल पढ़ाई वढ़ाई चल रही है कॉलेज में, डेली क्लासेज चल रही है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पा रहा है वहाँ कुछ भी बनाने का। और घर में आके आजकल सोनू यहाँ नहीं है तो सारा काम करना पड़ रहा है, घर आके खाना बनाऊंगी, वो बहुत चीज़ें हो जा रही, फिर थोड़ी अपनी पढ़ाई भी, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा है ब्लॉगिंग का। तो आज मैं अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूँ, एक छोटा सा ब्लॉग रहेगा और इसमें मैं आपको दिखाऊंगी आज का मेरा डेली रूटीन। आप लोग बने रहो मेरे ब्लॉग में। और मैं इससे पहले का मेरा जो ब्लॉग था, शादी के ब्लॉग थे, उसमें मेरा जो नृत्य था कैसा लगा आपको बताना मत भूलना। लोगों ने देखा ही है, लाइक कमेंट कर रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हेलो दिगड़ियो, तो मैं आ गई हूँ कॉलेज से घर और अभी शाम भी हो गई है। कॉलेज में कोई ब्लॉग मेरा बना नहीं आज और घर आके भी टाइम जैसा नहीं लगा। तो अभी हम जा रहे हैं घूमने काफल खाने के लिए और आपको दिखाती हूँ ढेर सारी मस्ती के साथ, काफल तोड़ना, खाना और दोस्तों के साथ ढेर सारा प्यार हमारा कैसा भी है और दोस्तों के साथ बहुत सारी मस्ती। आप लोग बने रहो और आपको मिलते हैं हम थोड़ी देर में। हेलो, अभी हम जा रहे हैं घूमने के लिए और ये है हिमानी ना, हिमानी ये है, इनका नाम है हिमानी और ये है गोलू। मुझे तो जानते हो। तो आज हिमानी जी आए हैं, इनको हम घुमाने ले जा रहे हैं। वो भी कहाँ ले जा रहे हैं पता आपको? हमेशा आती है, हमेशा घर जाती है, हमेशा अंग्रेजी की वेस्ट इंडीज है। क्यों दिखती है तेरे से सुंदर है ये? जब भी मुझे पता है मेरी बहन है, फिर यार सुंदर ये मतलब हर जगह से खुद को ही लाना है मतलब मेरी बहन। तो देख सकते हैं ये आज डोली के आ रही है, डोली के आ रही है ये, कुछ ये पहली काफल लग गई। हेलो, ये काफल तोड़ गई, ये काफल तोड़ने गई होगी इसने इतना वो लगा दिया काफल का। और लेके आइए, पेड़ में जाओगे? मेरे को नहीं आता हर्षिता चलेगी, एक ही अंदर आएंगे, एक ही उम्मीद है आज की हर्षिता दी पेड़ में चलेगी घर के और बाकियों का कोई पता नहीं है। यहाँ किसी को पेड़ में चलना नहीं आता है और आए हैं काफल खाने। आज का हम दिखाते कि हमारी काफल पार्टी कैसी रहती है, आप लोग बने रहो हमारे साथ। ये तीन जा रही हैं आगे, चार गिनती में थोड़ी दिक्कत हो रही है। गड़ियो आ गई है प्रिया हमारी वापस फिर से, अब इसकी होने वाली है शादी। शॉपिंग करके आई था प्रिया? कितनी शॉपिंग करी? हल्की फुल्की खरीद ली थोड़ी और बच्चे। तो अब इसकी शादी है, आप लोग जरूर 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 आइएगा। छूट जा रही हूँ। हेलो गाइस, इसकी शादी है और ये आजकल अपने शादी की शॉपिंग पे गई थी तो इसलिए हमारे ब्लॉग में ये नहीं आ रही थी। अभी पता चल जाएगा। थैंक यू। आप भी आना? हाँ आना है, आप भी जरूर आना है, नंगोली जाएंगे। शादी का कार्ड आएगा ना फिर आपको बताएंगे कि शादी कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, ठीक है? तो अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई चढ़ाई। ये देखो ये है कब्रिस्तान यहाँ का, ये रहा। इतने काफल के पेड़ है, नीचे नीचे भी काफल के पेड़ है। और ये ये रहा किनवर। लेकिन कौन जाएगा पेड़ में? कृष्णा है ना। पहले मैं आपको व्यू दिखाती हूँ, ये बहुत किरमिन खाता खाना पागल।
इसका इसको मैं वो कर दूंगी, अवॉइड करूंगी। ये देखो काफल। काफल खाते हैं। ये देखो इसकी मेहंदी, तो देखो गाइस। बट सावित्री यार, इसका है बोल दो। काफल का पेड़। पहली बार काफल देखा हमने भी, तो मैंने भी तो आज ही देखे। खाने नहीं होता काफल ना, आज हमने पहली बार पेड़ से तोड़ के खाया। हाँ, खरीद के खाते थे। पागल है क्या? मैं भी जाऊँ बोट उठल खाती। देखो यहाँ पे घनघोर बेइज्जती होते हुए सालों की, ये इसी ऐसा ऐसा पॉइंट मार देती है लोगों में। पेट फूलने का कह रही है मेरे जाने से। कृष्णा मेरे लिए भी लाना। हाँ मेरे बोल सालू कब्रिस्तान है। कोई जागेगा, सोया हुआ जागेगा। सोए हुए जागेंगे कब्र में से। क्या पता मुझे देख के देख के नहीं, आवाज कितनी भयंकर है। मेरी आवाज सुन के मैं आ रहा हूँ। तो देखो हम पहुंच गए यहाँ, और कितना अच्छा व्यू है यहाँ, देखो कितनी हरियाली है। ओ हिमा का फल पाखला मेरो नरसिंह ना, ना क्या गाना था, फूल खिली रोलो मन उड़ी जालो बस। ये लड़की पागल हो गई है। अभी हम उसके बाद अंग्रेजों के घर भी जाएंगे ऊपर, फिर आपको दिखाएंगे, दिखाती हूँ यहाँ का व्यू। तो देखो अभी मौसम भी बहुत खराब हो रहा है, पीछे देख सकते हैं मौसम कितना खराब हो रहा है। और अभी तक हमने फोटोज ली, और उसके बाद हमने थोड़ी बहुत रील भी बना दी। और ये लोग पीछे बैठे हैं अभी यहाँ पे, और दो लोग ऊपर गए हैं पेड़ में गए हैं। और अभी आप शायद हम अंग्रेजों के घर नहीं जा पाएंगे। अंग्रेजों का घर कहाँ है मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? जो पीछे घर दिख रहे ना, ये यहाँ है अंग्रेजों के घर। और अभी हम नहीं जा पाएंगे शायद, क्योंकि अंधेरा होने वाला है। तो क्योंकि पेड़ में चढ़ना तो आता ही नहीं, मुझे नहीं आता है। अगर मैं चढ़ भी जाऊँ ना कभी गलती से, फिर नीचे नहीं आ पाती हूँ। ऐसा होता है मेरे साथ। तो देखो मौसम कितना खराब हो गया, हमें घर भी जाना है, बहुत दूर जाने में। ये यहाँ पे बोर हो रही है, क्योंकि अब इसकी शादी वादी है, तो सोच रही होगी क्या है कैसा है। हवा चल रही है भयंकर वाली। ये फिर से हम यहीं पे आ गए, ये ब्लॉगिंग कर रही है। पहले फोन पकड़ना सीखना। कितना लाए? ये देखो इतना लाई है हर्षिता दी। कितनी मेहनत लगी? बहुत मेहनत लगी। वो देखो पेड़ दिखाना। देखो यहाँ गई हर्षिता दी पेड़ में। ये देखो यहाँ इस वाले पेड़ में गई थी हर्षिता दी। नहीं तक काफल तोड़ के लाई मैं। मैं रियली थैंक यू। ये मेरे काफल, ये देखो ऐसे काफल हो रहे हैं हमारे यहाँ। ये चलो यार आ जाओ आ जाओ। तो देखो हम आ गए हैं वहाँ काफल तोड़ के, और काफल भी खा ले, काफी अच्छे हुए थे, काफी मतलब मीठे हुए थे। अब हम जा रहे हैं घर को, और क्योंकि मौसम भी खराब हो रहा है। और आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग पे। कैसा रहा आज का ब्लॉग बताना मत भूलना। तब तक के लिए आप लोग सब स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और हमारे ब्लॉग देखने में और ज़्यादा व्यस्त रहो। बाय।